इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। एक तरफ महिला आरक्षण लोकसभा में कल राज्यसभा से ही पास हो जाएगा, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। जो क्षेत्रीय दल पहले विरोध में थे आज वो नहीं है। आज विरोध किस बात का हो रहा है और लड़ाई किस बात की चल रही सत्ता पक्ष से? आज लड़ाई है कि आप OBC आरक्षण उसमें ऐड करिए, यानी रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन। SC ST ऑलरेडी है, अब आप OBC उसमें ऐड करिए। और कई दलों ने माइनॉरिटीज को भी ऐड करने के लिए कहा है। OBC की लड़ाई बड़ी है, चाहे वो NCP हो, SP हो, RJD हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सब ने कहा है कि आप साहब इसमें OBC आरक्षण भी ऐड करिए। आज सोनिया गांधी ने भी जब ओपनिंग भाषण दिया कांग्रेस की तरफ से महिला आरक्षण पर, तो उन्होंने भी कहा एक समय सीमा, दूसरा OBC महिलाओं को भी इसमें लाया जाए, वंचित शोषित महिलाएं। डिंपल यादव, उन्होंने भी यही कहा कि साहब आप OBC और माइनॉरिटीज को लाइए। देर शाम राहुल गांधी ने भी अपनी स्पीच दी महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण पर वो कम बोले, दो चीज बोली। पहला कि जो पावर ट्रांसफर है उस पावर ट्रांसफर को ठीक से करिए, तुरंत कर दिए, कोई जरूरत नहीं डिलिमिटेशन की और कास्ट सेंसस की। दूसरा जिस पे एम्फसाइज किया कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी के रूप में, वो था OBC फैक्टर। राहुल गांधी ने एक पूरा डाटा दिया कि साहब हिंदुस्तान को चलाता कौन है। मान लीजिए जितने मंत्री हैं वो चलाते हैं, उसके बाद कितने 80 से 90 सेक्रेटरीज हैं, कहा सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्रेटरीज जो हैं वो OBC से हैं, यानी आप समझ लीजिए भागीदारी कितनी है। तो उन्होंने कहा कि साहब इस आरक्षण को भी लागू करिए और OBC आरक्षण का एक हिस्सा हो इसको तुरंत लागू करिए। इसको लागू करने के साथ साथ जो कास्ट सेंसस है तुरंत पता चले कि हाँ साहब OBC महिलाएं कितनी हैं, OBC पुरुष कितने हैं और भागीदारी कितनी होनी चाहिए सत्ता के अंदर। तो ये वो वोट बैंक है OBC का, जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। BJP भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए OBC के वोट बैंक को, ना ही कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहेगी। इसलिए महिला आरक्षण अब थोड़ा साइडलाइन हो गया है, क्योंकि हर पक्ष इसके पक्ष में, लेकिन OBC आरक्षण को लेकर जमादार खूब राजनीति इस पर हो रही है और लोग चाहते हैं कि लोग इस बात को सुने, क्योंकि OBC इतना बड़ा वोट बैंक है कि कोई भी इसको दरकिनार नहीं कर पाएगा। तो आप कहिए महिला आरक्षण की जो लड़ाई है वो OBC के मुद्दे पर आ गई। शुक्रिया।